अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। तो जी आज मैं बनाने जा रही हूँ, क्योंकि बच्चों को गर्मियों की छुट्टियाँ हुई हैं, बच्चे घर पे हैं, तो इसलिए बच्चों के लिए स्पेशल डिश। बड़े भी वैसे तो खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ये बच्चों के लिए। ये पोटैटो स्माइली बनाने लगी हूँ। इसके लिए मैंने ये 3 छोटे साइज़ के आलू लिए थे, इनको मैंने छील के ऊपर से और इनको बॉयल कर लिया, अच्छी तरह से बॉयल करना। और अब मैं इनको करने लगी हूँ मैश, बिल्कुल फाइन मैश करना है। आप इसे मैशर के साथ भी कर सकते हो और ऐसे फोक के साथ भी, आपकी अपनी मर्जी है। बस ये बिल्कुल फाइन पेस्ट इनका ऐसे बनना चाहिए, कोई गुठली वगैरह इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। बहुत आसान सी रेसिपी है, इजी रेसिपी है, गर्मी के हिसाब से जो है ना, बच्चों को जो दोपहर में स्नैक्स बना के दें। और ये आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी डाल के दे सकते हो। अच्छा, इनको मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया। अब हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डालेंगे। कॉर्नफ्लोर इसके अंदर 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून एंड 3 टेबल स्पून, 3 चम्मच ये गया। बाकी आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से देख लेना। जब आप इसको हाथों के साथ मिक्स करेंगे, जब आप इसको मिक्स कर रहे हो ना, तो अगर आपको ये मटेरियल जो है ना पतला लगे, तो आप इसके अंदर कॉर्नफ्लोर मज़ीद डाल लेना। तो अगर ये हार्ड हो, आपको लगे कि हमारी डो थोड़ी सी सख्त हो गई है, तो फिर आप इसके अंदर 2 से 3 चम्मच पानी के डाल सकते हो और इसको अच्छी शक्ल, जो डो की जैसे शक्ल होती है ना, वैसे आप कर सकते हो। अच्छा, इसको हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसके अंदर नमक डालेंगे, 1/2 टीस्पून इसके अंदर नमक डालेंगे, 1/2 टीस्पून। अगर बच्चों ने खाना है तो आप इसके अंदर किसी किस्म की कोई भी मिर्च ना डालें। अगर आपके बच्चे हल्की सी मिर्च खाना पसंद करते हैं, तो काली मिर्च आप 1/2 टीस्पून इसके अंदर डाल सकते हो। मैं इसके अंदर 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ। अच्छा, ये डो बिल्कुल फाइन हमने ऐसे पेस्ट बना लिया, ये आप देख सकते हो। अब हमने इसमें से ना ये बस इतनी सी ऐसे किया, हमने बनानी है स्माइली, ताकि हमारे बच्चे देख के से खुश हों और मज़े ले लेके खाएं। ये ऐसे ऐसे रखना है हर घर में। ये मार्कल या कोई भी चीज़, स्ट्रॉ ले लें आप, जिससे वो बोतल पीते हैं उसके साथ। इसकी इधर से हमने आंखें बनानी है, ये ऐसे आईज़ बन गई इसकी। ये काम आप अपने बच्चों की छुट्टियाँ ना, ये काम आप अपने बच्चों से भी करवा सकते हैं, वो बहुत खुशी खुशी से करेंगे। और ऐसे कोई भी चम्मच ले लें, या जैसे आपको कोई चीज़ घर में इजी लगे, तो इसके साथ इसका इधर से ये फेस बना दे। कितनी प्यारी स्माइली बनी है ना। अच्छा, ऐसे ही ये मैं सारी बना रही हूँ, इसको साइड पर रखते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी, छोटे छोटे से फेस बनाने हैं, ताकि अपने आपके बच्चे देखें और खुश हो जाएं। वैसे ये आप टी टाइम में भी बना के चाय के साथ भी खा सकते हो। ये हो गई, और ये ऐसे फिर ये इसका इसकी आइज़ हो गई। ऐसे बनाने में ये बहुत मज़ा आ रहा है मुझे, बचपन में चले गए हैं। और ये इसका फेस, ऐसे ये मैं सारी बना लूँ। अच्छा जी, तो सारी स्माइली हमारी बन के हो गई हैं रेडी। तो मैंने फ्राई पैन में ऑयल गर्म होने के लिए रख लिया, ये इसमें डाल के तो इसे कर लेंगे हम फ्राई। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, पहले ऑयल को आप गर्म कर लें, उसके बाद मीडियम चूल्हा कर लें और इसको गोल्डन कलर दे लेंगे। और ये काम आप जो स्माइली बनवाने के लिए ना, बच्चों को ये काम दें, बच्चे बड़े खुशी खुशी करेंगे। ऐसे गोल्डन कलर करना है और इनकी साइड हमने कर देनी है चेंज, ताकि दूसरी साइड से भी ये गोल्डन हो जाए। जो पहले डाली थी वो पहले गोल्डन हुई हैं, और जो बाद में डाली थी वो बाद में गोल्डन होंगी। जैसे जैसे जो गोल्डन होते जाएंगे, सबकी हम साइड चेंज करते जाएंगे। ये ऐसे जब गोल्डन ब्राउन हो जाए, जो देख सकते हो फेस इनका भी का भी क्लियर ही है। तो ये मैं करने लगी हूँ अभी इसको गार्निश, और ये ऐसे बन के हुए हैं रेडी। तो ये जनाब देखो कैसे आप सबको देख रहा है। अच्छा, ये ऐसे स्माइली हैं सारी, और ये मैं आपको दिखा रही हूँ ऐसे, ये स्माइली है उठा के, ये आप ऐसे देख, ये ऊपर से इतने क्रिस्पी हैं। और अंदर से मैं अब आपको दिखाती हूँ, ये आवाज़ आ रही है, ये ऐसे अंदर से ऐसे, ये ऐसे हैं अंदर से। और इनको आप बच्चों को दें और ऐसे कैचअप लगा के खाएं। ये जनाब यूट्यूब की फैमिली के लिए
अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अल्लाह हाफिज़।